410। क्लॉज नंबर 7 देखा था लास्ट में, आगे के क्लॉजेस देखें, क्लॉज नंबर 8 से 410, ठीक है स्टार्ट करें। चलो ध्यान देना, हाँ क्लॉज नंबर 8 में देख लेते हैं, जो ब्लॉक अपना यहाँ पे चल रहा था शेड्यूल 1 का पार्ट 1, उसमें 11 क्लॉजेस, ये प्रैक्टाइजिंग कंपनी सेक्रेटरीज पे अप्लाई होने वाले पॉइंट्स है। अब जो 8 नंबर का क्लॉज है वो बोल रहा है, अगर आपने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट द पोजिशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस प्रीवियसली हेल्ड बाई अनदर कंपनी सेक्रेटरी विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विथ हिम इन राइटिंग। बहुत बेसिक सी बात है, पूरा एटिकेट वाला पॉइंट भी आ जाता है, चलो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अपनी जगह, लेकिन एक बेसिक एटिकेट जो एज एन इंडिविजुअल आपको फॉलो करना चाहिए, ये उसकी बात भी हो जाती है। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टाइसिंग एक कंपनी का या एक क्लाइंट का काम कर रहा है, अब वो क्लाइंट उस प्रोफेशनल से काम नहीं करवाना चाहता है, वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है और किसी और प्रोफेशनल के पास जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली राइट जो है डिसाइड करने का वो किसके पास है, क्लाइंट के पास। तो अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो प्रैक्टिस में, आपका कोई क्लाइंट है जो आपसे काम नहीं करवाना चाहता है और वो मेरे पास आया है, तो मैं ना थोड़ी ना बोलूंगा कि मैं काम नहीं करूंगा। ऑब्वियसली अगर वो मुझसे काम करवाना चाहता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन प्रोफेशनली ना पॉइंट ये है कि आप और मैं एक ही फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, एक ही प्रोफेशन में है, क्लाइंट आता जाता रहेगा, हम कहीं ना कहीं प्रोफेशनल मीटिंग्स में, ICSI के इवेंट्स में मिलते रहेंगे, ये चीज़ रहने वाली है। तो अपने बीच में ना वो राइवलरी वैसी नहीं क्रिएट हो जानी चाहिए कि आपके माइंड में ये आ जाए कि मैंने आपका काम छीन लिया। वो सॉलिसिट करने वाली कोशिश तो मैं वैसे भी नहीं करूंगा क्योंकि वो वैसे ही मिसकंडक्ट है, लेकिन आपके और मेरे बीच में ना उस वजह से कोई टेंशन क्रिएट हो या रिलेशंस अच्छे ना रहे, वो पूरी फ्रेटर्निटी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि फिर ये हर दो इंडिविजुअल्स के बीच में ये सब चीज़ें क्रिएट होंगी। तो इसके लिए एक सिस्टम ये रखा गया और इसको एक कोड बना दिया कि प्रोफेशनल कोड के हिसाब से फॉलो करना ही है कि अगर आपका कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो उसका काम लीगली एक्सेप्ट करने से पहले मैं आपको सामने से कम्युनिकेट करूंगा कि भाई ऐसे ऐसे क्लाइंट आए हैं और मुझे पता चला है कि पहले आपसे काम करा रहे थे और अब मुझसे काम करवाना चाहते हैं, तो ये मैं आपको एक तरीके से आपका कंसेंट मांग रहा हूँ या आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ऐसा मेरे पास उनकी तरफ से एक ऑफर आया हुआ है। तो आपको अगर इस पर कोई ऑब्जेक्शन है या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप मेरे साथ फ्रीली एक बार डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है अगर हम इस तरीके से एक दूसरे को कम्युनिकेट करें, फिर ऐसा नहीं है मैं उसको क्यों पूछूं, क्लाइंट मेरे पास सामने से आया, मैं थोड़ी सॉलिसिट करने गया, उस टाइप की बात नहीं है। कितनी बार हो सकता है कि क्लाइंट का बिहेवियर ठीक ना हो, पेमेंट के इश्यूज होंगे, वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, फीस पे नहीं कर रहा है, तो आपने ही बोल दिया होगा भाई सर आप फीस पे नहीं करोगे चलेगा नहीं, सामने वाला आप दूसरे CS को ढूंढ रहे, तो आपका नुकसान कर चुका है तो मेरा भी करेगा आगे। अगर मैं आपसे कम्युनिकेट करूँ और आप क्लैरिफाई कर दो कि क्या रीज़न है जिस वजह से वो आपको छोड़ के मेरे पास आ रहा है, या आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं अगर वो आ जाता है, तो बातें हमारे बीच में ना टैली हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई आउटसाइडर जो एक क्लाइंट है वो एक कंपनी सेक्रेटरी को बेवकूफ़ बना के फिर दूसरे के पीछे नहीं पड़ेगा, हमारे बीच में कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा और एक प्रोफेशनल एटिकेट भी रहेगा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, आपने अलाउ किया या आपने अपना कंसेंट दे दिया, तब मैंने वो काम एक्सेप्ट किया, या आपके बात करने के बाद मैंने डिसाइड किया वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट। तो ये एक अच्छा तरीका माना जाएगा, इससे एक प्रोफेशनल हारमनी प्रोफेशनल्स के बीच में मेंटेन रहेगी और ये चीज़ हर प्रोफेशनल बॉडी में जितने मेंबर्स होते हैं मेंटेन करते हैं, स्पेशली लॉयर्स के केस में आप देखना, मैंने खुद ये चीज़ काफ़ी बार ऑब्जर्व की। अब जैसे होता है ना कि आपका मेरा डिस्प्यूट है, तो मेरे कोई लॉयर होंगे जिनको मैंने हायर किया अपने आप को डिफेंड करने के लिए, एक आपकी तरफ से लॉयर होंगे, आप और मैं तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो लॉयर्स देखना आराम से बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से, मूवीज़ में नहीं दिखाते दो लॉयर कैसे झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो भी लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, वैसा एक्चुअली में नहीं होता है। बिकॉज क्या होता है ना, आप आज केस लड़ोगे, कुछ साल तक कोर्ट आओगे, चले जाओगे, अब वो जो लॉयर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, उनको तो रोज़ एक दूसरे को मिलना है, तो वो लोग आपस में बैठते भी है, बातें भी करते हैं, अपना फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करते हैं, बिकॉज दे वेरी वेल नो कि क्लाइंट आता जाता रहेगा, हमें रोज़ यहीं काम करना है। अब क्लाइंट से ज़्यादा झगड़ा तो लॉयर्स के बीच में हो रहा है, सपोज क्या सिचुएशन होगी कोर्ट में, मतलब लॉयर्स ने एक दूसरे पर केस फाइल कर रखा है कि इसने इस केस में ऐसा किया था, उस केस में वैसा किया था, मैं इस पे केस फाइल कर रहा हूँ, वो दो अपने लिए तीसरा लॉयर ढूंढ रहे हैं, समझ आया? ऐसा होता ही नहीं है, तो वो ऐसे ना इतना इमेच्योरली बिहेव नहीं करते, उनको मालूम है क्लाइंट से पैसे कमाने, उसका डिस्प्यूट सॉल्व करना है, हमें आपस में झगड़ा नहीं करना है, हम प्रोफेशनली अपना काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हैं या उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा उतना ही रोल है, पर्सनल कुछ नहीं, एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल कि भाई ये पर्सनल मैटर नहीं। अच्छा, इस वजह से उल्टा केसेस जल्दी सॉर्ट आउट होते हैं क्योंकि आप और मैं गुस्से में, हम तो नेगोशिएट करेंगे नहीं, लेकिन वो दो लोग जिनको हायर किया वो तो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो कितनी बार वो लोग एक दूसरे से भी डिस्कस करते हैं कि देखो मैटर ऐसा है, आप अपने क्लाइंट को समझाओ, कोई फायदा है नहीं इस चीज़ का, बैकआउट कर ले, या तो केस खत्म कर देते हैं या फिर सेटलमेंट कर लेते हैं। तो बहुत बार वो लोग खुद ही ना पोलाइटली सेटलमेंट करवा देते हैं, इससे एट दी एंड लॉन्ग टर्म में दोनों पार्टीज को फायदा होता है। तो आजकल ऐसा है ना कि लॉयर्स ये नहीं सोचते कि एक क्लाइंट आ गया ना तो इसको ऐसा पकड़ के रखो कि इससे अपना काम चलता रहे और रेगुलर फीस चार्ज करते रहो,
उनको ऐसा होता है जल्दी खत्म करो, तुम्हारे जैसे और है जो रोज झगड़ा लेके आते हैं, तो हमको काम की कोई कमी है नहीं, लोगों में लड़ाई झगड़े बंद नहीं होने वाले, डिस्प्यूट खत्म होने नहीं वाले, तो एक ही क्लाइंट पर हम डिपेंड नहीं करते, उल्टा अच्छा है केस पैकअप होगा ना, दूसरा केस आएगा उस पर ध्यान देंगे, तो वो एक ही केस को खींचने से बेटर है ना सेटलमेंट की कोशिश करते हैं। ऐसा ही रिलेशन अपने बीच में भी सीएस के मेंबर्स में भी होता है और होना भी चाहिए, ताकि हमें पता है कि हम एक फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, पूरे साल में 10 इवेंट में मिलने वाले, तो आपस में झगड़ते रहेंगे, क्लाइंट को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, अपने बीच में कभी हार्मनी क्रिएट नहीं होगी। इसके लिए ये पॉइंट बोला हुआ है कि हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए, ये एक प्रोफेशनल एटिकेट वाला पॉइंट होगा। क्लियर, कर्टसी वाली बातें हो रही है, फिर हम उसके साथ साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है ना, तो आपको लगेगा ऐसे एकदम राम राज्य वाली सिचुएशन है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है ना, आप कैसा बिहेव करते हो कैसा नहीं, दैट इज़ 1-to-1, लेकिन ये अच्छी बातें लिखी है, तो पढ़ाएंगे तो अच्छा ही ऑब्वियसली। तो क्लॉज 8 आपका यहाँ पे कंप्लीट है, बाकी के लैंग्वेज आप रीड कर सकते हो, कुछ काम का है नहीं उसमें। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 9, अगेन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के लिए, उसको गिल्टी मानेंगे, इफ ही चार्जेस और ऑफर्स टू चार्ज एक्सेप्ट और ऑफर्स टू एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फीस विच आर बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स और विच आर कंटिंजेंट अपॉन द फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट इन केसेज विच आर परमिटेड अंडर द रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट। ये भी एक सही पॉइंट है, मतलब ऐसा है कि कंपनी सेक्रेटरी, अब प्रोफेशन में ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज प्राइजिंग जो है वो वेरिएबल है, मतलब अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो फीस चार्ज कर रहा हूँ वो मैं डिसाइड कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके लिए आप ये नहीं बोल सकते सर आपने कैसे कैलकुलेट किया, मैं बोला लाइट बिल इतना आता है, मैं ये है वो है, इतने खर्चे होते हैं, उस पर मैं अपना 10% प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दूंगा, 20% प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दूंगा, वो नहीं होता ना। प्रोफेशन में एक सिचुएशन अलग है। अच्छा, ये क्योंकि इनटेंजिबल है तो आप इसको टेंजिबली कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इस प्रोफेशन में इस सर्विस की इतनी फीस होनी चाहिए। अब डॉक्टर्स के पास भी आप जाते हो तो कोई डॉक्टर वो जो डेली बेसिस पे आपको मेडिसिन दे रहे हैं तो कोई 100 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, कोई 300 भी चार्ज कर रहा है, डिपेंड करता है ना। आपको 300 वाला महंगा लगता है तो आप मत जाओ, आप उसको जाके ये नहीं बोल सकते 300 तो बहुत ज़्यादा है, बोलेगा डॉक्टर की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, मेरी बुक्स देख लो, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है जो मैं पढ़ के आया हूँ, मैं इतना ही चार्ज करूंगा, मुझे लगता है कि मुझे 300 चार्ज करना चाहिए, आपको अफोर्डेबल नहीं है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हो। तो प्रोफेशन में ये चीज़ हो जाती है कि उसकी ना वैल्यूएशन करना या एक अमाउंट पे आना कि कितनी फीस सही है कितनी गलत है, वो दो लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने वाला है। ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज में चार्ज करने की जो बात हो रही है या फीस चार्ज करने की बात हो रही है, तो मैं अगर आपके लिए प्रोफेशनली कोई काम कर रहा हूँ एज अ प्रैक्टिसिंग सीएस, तो मैं उसकी जो फीस चार्ज करूंगा वो कंटिंजेंट नहीं होनी चाहिए। कंटिंजेंट इन द वे कि मैं आपका काम करके देता हूँ, देखो आपका कितना फायदा होता है उस पर एक परसेंटेज आप मुझे दे देना, इस टाइप की फीस चार्ज करना अलाउ नहीं किया। जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, रिफंड का कोई मैटर है कि भाई हमें MCA में, GST डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स में, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी में वी आर फाइलिंग अ क्लेम फॉर रिफंड, तो मैंने आपको बोला कि मैं आपका रिफंड का केस करूंगा आगे, जितना रिफंड आया ना उसके बेस पे आप मुझे इतना परसेंट पैसे दे देना। इस तरीके की फीस चार्ज करना ठीक नहीं, क्योंकि ये तो कैसा हो गया ना, वो कंटिंजेंसी हो गई, अनसर्टेनिटी हो गई, और कहीं ना कहीं तो गैम्बल जैसा हो गया। फिर मैं अपनी फीस ज़्यादा निकलवाने के लिए डिपार्टमेंट से ज़्यादा पैसे निकलवा के देने की कोशिश करूंगा, वो फेयर नहीं रहेगा, वो मेरे पॉइंट पे आ जाएगा कि मैं बस उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तरीका ठीक नहीं। हाँ, इसमें बोला है एक्सेप्ट अलाउड इन फ्यू केसेस और वैसे सब बोला हुआ है, अब वो किस सेंस में बोला है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपको एग्जांपल देता हूँ या कंपनी सेक्रेटरीज का, उससे रिलेट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं ऑडिटर की, ऑडिटिंग का काम अगर मैं कर रहा हूँ, सपोज इनकम टैक्स का ऑडिट है। अब ऑडिटिंग में होता क्या है, बेसिक अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को अपने चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को चेक करने में मेहनत पड़ने वाली, ईजी काम तो है नहीं सारी एंट्रीज को चेक करना। अब इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बोल सकता है कि भाई आपके अकाउंट्स का जो वॉल्यूम है, जो टर्नओवर है, उसके बेस पे मैं फीस चार्ज करूंगा, और वो एक सही तरीका है कैलकुलेशन का। बिकॉज अगर आपका पूरे साल का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वॉल्यूम भी अकॉर्डिंगली होगा, लेकिन वही अगर आपके अकाउंट्स का वॉल्यूम 500 करोड़ का है, ट्रांजेक्शन उतने अमाउंट के हैं, तो वॉल्यूम में भी तो फर्क आएगा, ऑडिट करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो मैंने एक क्राइटेरिया ये रखा है कि क्लाइंट का जितना टर्नओवर है उसका इतना परसेंट मैं रेशियो लेके अपनी फीस कोट कर देता हूँ पहले, कि मैं इतना अमाउंट चार्ज करूंगा, वो इल्लीगल नहीं है। उसमें आप कोई अनसर्टेनिटी नहीं क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि टर्नओवर तो स्टार्टिंग में दिख रहा है, क्लाइंट को मालूम है कि हाँ मेरा 500 करोड़ का टर्नओवर है, उस हिसाब से इतना परसेंट फीस मांग रहा है, इतना अमाउंट देना है। अब ठीक लगेगा तो डील करेंगे, ठीक नहीं लगेगा तो डील नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन ये जो रिफंड वाला जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो रिफंड तो कब आएगा डिपेंड करता है, कितना आएगा वो भी डिपेंड करता है। उसका परसेंटेज मैं आपको बोल दूं कि जब आएगा ना तो इसका इतना परसेंट मुझे आप फीस पे कर देना, ऐसी कंटिंजेंट फीस चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लॉज में मना किया है तो हमें इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियर हुआ सर? इंस्टेंस जो नीचे लिखा है वो वही पॉइंट है जो मैंने बोला। क्लॉज नंबर 10 पे चलते हैं। एंगेजेस इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी
अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल। अब इसमें ऐसा है कि प्रैक्टिसिंग सीएस का लाइसेंस लेके, मेंबरशिप नंबर सीओपी लेके आप काम कुछ और ही कर रहे हो, तो सीओपी इज प्योरली फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग देयर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते हो, सीओपी सरेंडर कर दो ना, आप सीओपी होल्ड करके बैठे हो लेकिन काम कुछ और कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत हो गई। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं फुल टाइम टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, मैं प्रैक्टिस में नहीं, मैंने सीओपी नहीं लिया हुआ। अब जब मैं सीओपी ले लूंगा तो फिर ये काम पूरा दिन कैसे कर सकता हूँ? इंस्टीट्यूट बोलेगा आपने सीओपी लिया ही क्यों है जब प्रैक्टिसिंग हो ही नहीं, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, और प्रैक्टिसिंग मेंबरशिप लेने के बाद आप दूसरा काम कर रहे हो, तो ये लॉजिक ही समझ में नहीं आया, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे ये बोला है। अभी जो अनलेस परमिटेड वाला बोला है ना, उसमें एक्चुअली में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब जैसे मैंने आपको टीचिंग वाला पॉइंट बोला, या और कोई पार्ट टाइम काम करना हो तो कुछ आवर्स के लिए मुझे अलाउ कर सकते हैं। अब मैं अगर मान लो मेरी प्रैक्टिसिंग फर्म है तो उसमें ऐसे रूल्स हैं कि भाई प्रैक्टिसिंग मेंबर अगर पढ़ाना चाहे एज अ ट्यूटर तो पढ़ा सकता है, लेकिन ना दिन में आप 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जो उस पॉइंट में बोला है। तो अगर मैं अपनी फर्म भी स्टार्ट कर दूँ, प्रैक्टिस करूँ, तो मेरी मेजोरिटी इनकम वहाँ से आनी चाहिए, तो दिन में एक इंसान कितने घंटे काम करेगा? 10 से 12 घंटे मैक्सिमम। तो उसमें से मैं 3 घंटे अगर मैं टीचिंग को दे रहा हूँ ना, फॉर एनी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, कोचिंग, ठीक है, लेकिन बाकी का टाइम फिर मुझे मेरे प्रैक्टिस में देना पड़ेगा। अब बोले कौन देखने आता है सर, आप 3 घंटे पढ़ा रहे हो कि 8 घंटे पढ़ा रहे हो, कोई देखने तो आने वाला है नहीं। बट जो मैं फीस चार्ज करूंगा उसको जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करूंगा, उससे दिखेगा ना कि प्रोफेशनल फीस जो क्लाइंट से आई वो कितनी, और स्टूडेंट से जो कोचिंग फीस या सैलरी आई वो कितनी, वो रेशियो से मालूम पड़ जाएगा आप कितना टाइम कहाँ पे दे रहे हो। तो कुछ लिमिट तक अलाउ किया, काउंसिल अलाउ करती है, कुछ लिमिट से ज़्यादा फिर अलाउ नहीं करते, तो इसमें इफ एंड देन वाली कंडीशंस रहेंगी। बट उतना डिटेल में ये लोग यहाँ पे गए नहीं है, जितना है मैंने आपको उतना ही बताया। क्लियर? पीछे बोला है देखो नेक्स्ट पेज पे, काउंसिल हैज एक्सप्रेसली परमिटेड अ पीसीएस टू टेक अप द फॉलोइंग वोकेशंस। वोकेशंस का मतलब और कोई एक्टिविटी होगी, बिजनेस एक्टिविटी या प्रोफेशन। लिस्ट देख लो, 2 मिनट लेके पढ़ना है तो आप पढ़ लो आराम से, फिर देखते हैं आगे। कुछ नहीं समझ बोलो, रीड कर लिया है कोई पॉइंट में कुछ डाउट? कॉमन प्रैक्टिसेस ही है सारी, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। काउंसिल ने एक्सप्रेसली परमिट किया है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज़ ओके। इसके साथ और भी पॉइंट्स बोले, नेक्स्ट पेज पे देखना। कुछ स्पेसिफिक परमिशंस की ज़रूरत भी पड़ सकती है, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इसमें बताया हुआ है कि अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है या ऐसा कुछ है और वहाँ पे आप कुछ टाइम देना चाहते हो, प्रैक्टिसिंग सीएस हो लेकिन फैमिली का बिजनेस भी है, तो वो काम भी आपको साथ साथ में करना, तो उसके लिए बोला हुआ है कि एक तो आपका उस बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग या इक्विटी या होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और वो नीचे एक्सप्लेन किया भी है नेक्स्ट पॉइंट में, जो 1 और 2 करके बोला है, 25% का रेफरेंस है उसमें। 25% वोटिंग पावर, 25% प्रॉफिट से कम है तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा, उससे ज़्यादा है तो माना जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स में ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में 20% होता है या 25% है, तो एक्ट के हिसाब से डिफरेंट हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था ऊपर, ऑफिस ऑफ MD होल टाइम डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट का विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज है। तो अगर आपको किसी कंपनी में MD या डायरेक्टर बनना है अलॉन्ग विद बींग अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, तो परमिशन बेसिस पे आप बन सकते हो। काउंसिल चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकती है, दैट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है, बट आप परमिशन मांगो, परमिशन मिल जाएगी, आप अपॉइंट हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं रिगार्डिंग अदर एक्टिविटीज अलॉन्ग विद बींग अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट लास्ट क्लॉज इस ब्लॉक का, अलाउज अ पर्सन नॉट बींग अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस और अ मेंबर नॉट बींग हिज पार्टनर टू साइन ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ हिज फर्म एनीथिंग विच ही इज रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई एज अ कंपनी सेक्रेटरी। सर्टिफिकेशन का काम करना है या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके साइन करने हैं, तो आपके बिहाफ पे कोई और साइन कर रहा है और आपने कुछ वेरीफाई भी नहीं किया, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर काम आपके पास आया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना कि वेरीफाई करके सर्टिफिकेट, किसी चीज़ को सर्टिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं और सब कुछ करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ कि ये चीज़ जेन्यून है। अब इसमें या तो आप बिना पढ़े सर्टिफाई कर दो, या फिर काम आप करो या आप ना करो साइन कोई भी कर दे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये सब चीज़ों में अगर कोई गलतियाँ होंगी ना, तो उसका आउटकम जो है वो ज़्यादा ख़राब होगा आपके खिलाफ, क्योंकि ये दिखेगा कि आप अनप्रोफेशनल हो, सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को आप नहीं समझ रहे हो। आपका सर्टिफिकेट एक कंक्लूसिव एविडेंस की तरह दिखने वाला है और आपको उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। कोई भी साइन कर देता है आपकी फर्म में से जो या तो आपकी फर्म का एम्प्लॉय नहीं है या सीएस नहीं है, तो सीएस का काम होगा तो साइन तो उसी को करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, तो ये क्लॉज 11 यहाँ पे कंप्लीट। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो सबसे लेंदी था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब जितने पार्ट्स है उसमें 2-2, 3-3 क्लॉजेज ही है, तो वो कंप्लीट होता जाएगा, देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं फर्स्ट शेड्यूल के। ये किनको रिलेट कर रहा है? दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट
एंड दे आर इन सर्विस एम्प्लॉयज के लिए। प्रैक्टिसिंग वाला खत्म हो गया। दूसरी कैटेगरी वही है जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, खुद की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं और क्लॉजेस भी देख लेते हैं क्या बोला। सेकेंड पॉइंट देखना डायरेक्टली, दिस शेड्यूल रिकग्नाइजेज द नीड फॉर अ मेंबर इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो टू ऑब्जर्व सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट टू बी एम्प्लॉयमेंट टू बी इन एम्प्लॉयमेंट कनोट्स टू बी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ये अंडरलाइन कर लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, दोनों चीजों में काफी डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस तो प्रोफेशन हो गया ना, कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा इसका एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट प्रोफेशनल हो गया, इंडिविजुअल हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब कि मैं आपके लिए काम करूंगा आपकी प्रीमाइसिस पे, जैसे यूजुअली एक एम्प्लॉयमेंट में होता है। तो एक सर्विस प्रोवाइडर प्रोफेशनल और एक एम्प्लॉय में फर्क है। एम्प्लॉय आपकी प्रीमाइसिस पे आके आपके वहां बैठ के काम करेगा, आपका सेटअप यूज करेगा, आप जैसे बोलोगे वैसे काम करेगा। प्रोफेशनल है, खुद का ऑफिस है, आप उसको काम दे दो वो आपका काम करवा के दे देगा, करके दे देगा, लेकिन आपके प्रीमाइसिस पे आके बैठने के लिए, आपके रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए वो लायबल नहीं। एक बेसिक डिफरेंस वहां पे रहने वाला है, तो उस चीज को हाईलाइट किया यहाँ पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो वर्ड बोला जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, उसके अंदर क्या इंडाइसेस या क्या उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो देख लो। मास्टर्स पावर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए सर्वेंट, वो तो हो गई ना, आपको एम्प्लॉय की तरह सिलेक्ट करना है नहीं करना है, वो एम्प्लॉयर की मर्जी। पेमेंट ऑफ वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन, मास्टर्स राइट टू कंट्रोल द मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। एम्प्लॉयमेंट में होगा ना कि मैं जिस मेथड से बोल रहा हूँ आप उस मेथड से काम करो, ठीक है, ये एक चीज़ होगी। और मास्टर्स राइट ऑफ सस्पेंशन और डिसमिसल, काम नहीं अच्छा लगेगा तो आपको निकाल भी सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में एक ये कॉमन पॉइंट होते हैं, कोई नया नहीं बोला उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में फिर से वही चीज़ समझा रहे हैं, तो वो रिपीटेशन है, नए पॉइंट्स देख लेते हैं। डायरेक्टली क्लॉजेस पे जाएंगे तो भी चलेगा। क्लॉज वन क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स दैट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट अदर देन अ प्रैक्टिसिंग मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी इफ ही बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी फर्म और पर्सन पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन एनी शेयर इन द इमोल्यूमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाई हिम। मतलब आपको जो सैलरी मिल रही है ना, आप उस सैलरी का एक हिस्सा किसी और के साथ शेयर कर रहे हो फॉर एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। प्रोफेशन में हमने वो फीस के रिगार्डिंग देखा था, यहाँ पे हम सैलरी के रिगार्डिंग देख रहे हैं, वैसी बात हो गई। नेक्स्ट क्लॉज नंबर टू में, अ मेंबर इन एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट शेयर इमोल्यूमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विद एनी अदर पर्सन नॉट इवन अ मेंबर, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शेयरिंग ऑफ द इमोल्यूमेंट्स। अच्छा ये तो एनालॉगस टू बोला, सॉरी, तो सेम पॉइंट रिपीट कर दिया। नीचे वाले पॉइंट पे चलो, क्लॉज टू नीचे, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी इफ ही एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ फीस प्रॉफिट और गेन फ्रॉम अ लॉयर अ कंपनी सेक्रेटरी और अ ब्रोकर एंगेज बाय सच कंपनी फर्म और पर्सन और एजेंट और कस्टमर ऑफ सच कंपनी बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन। ये वही बात हो गई, पैसों का फेवर होगा तो फिर क्या होगा, आपको भी सामने कुछ सामने वाले की हेल्प करनी पड़ेगी, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो ये इलीगल ट्रैक पे चला गया। तो आप अपनी सैलरी का हिस्सा किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी और से आप कोई पैसा ब्रोकरेज ग्रेटिफिकेशन थैंक यू बोल के पैसा दे दिया, ऐसा अमाउंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो थैंक यू फ्री नहीं है, फिर वो पैसा दे रहा है सामने वाला आपको, कुछ ना कुछ रिटर्न में फेवर मांगेगा, और वो फेवर अनएथिकल हो सकता है, कंपनी की डिटेल्स, क्लाइंट का पर्सनल डेटा, कॉन्फिडेंशियलिटी हार्म हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया वैसा। ठीक है, चलो दो ही क्लॉजेस थे यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में बोला है कि ये जनरल मिसकंडक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो प्रैक्टिसिंग या एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे, इन जनरल बोला हुआ। फर्स्ट क्लॉज देख लेते हैं, नॉट बींग अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट एक्ट्स एज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो अब वो फेलोशिप या आपके पास FCS एक्चुअली वहाँ हो नहीं, लेकिन फिर भी आप FCS की तरह अपने आप को शो कर रहे हो, तो वो एक मिसकंडक्ट हो गया। क्लॉज टू में यहाँ पे बोला है कि जो अथॉरिटीज हैं, जैसे इंस्टीट्यूट है अपना, काउंसिल है, कोई कमिटी है, डायरेक्टरेट ऑफ डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, कमिटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, अपेलेट अथॉरिटी, इन सब अथॉरिटी में से किसी ने भी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जो लीगली आपको देनी चाहिए थी और आपने वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड नहीं की, तो फिर वो एक मिसकंडक्ट हो जाएगा आपके पार्ट पे एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो ये जनरल पॉइंट रख दिया यहाँ पे। और लास्ट क्लॉज में, वाइल इन्वाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर कंपनी सेक्रेटरी और वाइल रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स और इंक्वायरीज और वाइल एडवर्टाइजिंग थ्रू अ राइटअप और एनीथिंग एज प्रोवाइडेड फॉर आइटम नंबर 6 और 7 जो कल हम पढ़ रहे थे, गिव्स इन्फॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स। मतलब इन शॉर्ट, आपने अपने बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन देना था, जो लीगली अलाउड था, वो देते टाइम आपने गलत या फेक इन्फॉर्मेशन दे दी, जिससे सामने वाले के माइंड में आपकी गलत इंप्रेशन क्रिएट हुई, आपने अपने आपको ज़्यादा अच्छा बताने की कोशिश की जो एक्चुअली में आपने अचीव नहीं किया, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना भी यहाँ पे मिसकंडक्ट में आ जाएगा, वो पॉइंट।
और इस शेड्यूल का लास्ट पार्ट अदर मिसकंडक्ट, वो भी जनरली बोला हुआ है। देखें फर्स्ट क्लॉज में क्या बोल रहे हैं, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ ही इज हेल्ड गिल्टी बाई एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट फॉर एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months। तो अगर आपको किसी और सिविल या क्रिमिनल मैटर में 6 months तक की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाले केस में भी आपको गिल्टी होल्ड कर लिया जाएगा बिकॉज ऑफ योर अदर एक्टिविटी। कि कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे मेंबर को अपने साथ नहीं रखना चाहेगा जिसके क्रिमिनल केसेस चल रहे हो और उसको जेल जाना पड़े, तो वो रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है ना। इसीलिए क्लॉज टू में अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी इफ इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल ही ब्रिंग्स डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्शंस वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल वर्क। मतलब कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ का इफेक्ट आपके प्रोफेशन पे पड़ सकता है अगर आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जिससे आपका भी नाम खराब हो रहा है और आप जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो उसका नाम भी खराब हो रहा है। तो इंस्टीट्यूट को लगता है कि डिसरेप्यूट लेके आ रहा है, हमारी रेपुटेशन खराब कर रहा है, तो इसको मेंबरशिप से हटा सकते हैं या उसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स नीचे दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स एकदम जनरल है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको एकदम सारे याद रखने, आप इसमें से कुछ मल्टीपल एग्जाम्पल्स कोट कर दोगे तो सही। जैसे डिस्कस करवा देता हूँ क्या बोला। सबसे पहले बोला सेंडिंग एन ईमेल टू द नंबर ऑफ मेंबर्स क्रिटिसाइजिंग द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल इन अ डेरोगेटरी एंड फिल्दी लैंग्वेज। ICSI की काउंसिल अलग अलग डिसीजंस लेती रहती है, जैसे भी नए सिलेबस के ऊपर बात हो रही थी या उसके पहले और कोई सिचुएशन थी, कोविड के टाइम में बहुत सारे डिसीजंस उन्होंने लिए, एग्जाम कैंसिल किया, एग्जाम पोस्टपोन किया, तो ये सब मैटर्स जो हैं ये हर कोई उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब नया सिलेबस लॉन्च कर दिया, मैंने रिफ़र किया मुझे अच्छा लगा, किसी ने रिफ़र किया उसको नहीं भी अच्छा लगा होगा, तो नहीं अच्छा लगा ये आप बोल सकते हो, आप मेंबर्स में डिस्कशन भी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लैंग्वेज का एक बैरियर जो है ना वो क्रॉस कर जाओ कि फिर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही खराब बोल रहे हो, वैसा होना नहीं चाहिए। और ऐसे मैटर्स अभी लॉकडाउन के टाइम पे हुए थे क्योंकि कोविड में सारा ऑनलाइन हो गया था सब कुछ, तो ये यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग थे ऐसे जो पढ़ा कम रहे हैं फॉलोअर बढ़ाने में ज़्यादा लगे हुए। काफ़ी लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन भी, बहुत सारे टीचर्स हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का आइडिया वो था कि वो स्टूडेंट्स की ज़्यादा साइड लेके, जैसे एग्जाम कभी कैंसिल कर दिया इंस्टीट्यूट ने या कोविड के हिसाब से बोला कि ये एग्ज़ाम को हम पोस्टपोन कर रहे हैं या ऑनलाइन ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया सिचुएशन देखने के बाद डिसाइड की होगी, और काउंसिल के मेंबर्स को पूरे इंडिया की सिचुएशन देखनी है, तो दे हैव अ बेटर पिक्चर कि पूरे इंडिया में कहाँ पे कितने कोविड केसेस हैं और स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जैसे ही उनका कोई डिसीजन आएगा ना वो क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देंगे, अपना वीडियो पोस्ट कर देंगे, स्टूडेंट्स को लगेगा हाँ हमारे बारे में कितना सोच रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उस चक्कर में लगे हुए थे, एक लिमिट क्रॉस कर दी। आप क्रिटिसाइज यूट्यूब पे कर सकते हो, ICSI आप पे केस नहीं करेगा, लेकिन लैंग्वेज का एक तरीका होता है कि आप कैसा बोल सकते हो कैसा नहीं, तो इतना खराब बोल दिया ना इंस्टीट्यूट वालों ने, फिर ये पॉइंट में नोटिस भेज दिया कि आप एक्सप्लेन करो कि आपने जो इस तरीके की बात इंस्टीट्यूट के मेंबर्स चेयरपर्सन सेक्रेटरी उनके बारे में की है तो उसका आपके पास क्या आंसर है, क्योंकि हम आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। तो ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए थे, बाकी अदरवाइज आप नॉर्मल क्रिटिसिज्म करोगे तो कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट है आपका, लेकिन लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पॉइंट डिस्कसिंग थ्रू ईमेल या ई फोरम्स फेलियर ऑफ द काउंसिल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सेक्रेटरी अगेन यूजिंग डेरोगेटरी एंड फिल्दी लैंग्वेज राइटिंग लेटर्स इन एन अग्रेसिव लाउड लैंग्वेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखो आपकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, चलो ICSI के काउंसिल के मेंबर्स तक ठीक, अब मिनिस्ट्री के साथ भी पंगे ले रहे हो, ठीक ये सब नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, ये तो आप प्रोटेस्ट करने पे आ गए ना, धरना प्रदर्शन, ठीक है रास्ते पे जाके बैठ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, और जिससे ना इंस्टीट्यूट का कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप अपने पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हो, इससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसा आप करोगे तो उससे इंस्टीट्यूट का नाम खराब होने वाला है, वो एक्शन ले सकते हैं। इंस्टिगेटिंग स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स बाय क्रिएटिंग अ पेंडेमोनियम इन और अराउंड द इंस्टीट्यूट्स ऑफिस बाय रेजिंग इशूज पर्टेनिंग टू द सिलेबस ट्रेनिंग एग्जामिनेशन। आप स्टूडेंट्स को भड़का रहे हो कि भाई इंस्टीट्यूट ने ये अच्छा नहीं किया वो नहीं किया, अब इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, इनके प्रीमाइसिस पे जाके बैठ जाएंगे, घेर लेंगे इनको, ये सब करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा सब करना अगर जेन्यून नहीं है आपकी बात और इंस्टीट्यूट आपका आपकी बात सुनने को रेडी है बैठ के, तो फिर आप अननेसेसरी ऐसे प्रोटेस्ट क्रिएट करोगे, वो ठीक नहीं है, एक्शन हो सकता है। मिसयूजिंग द कॉन्फिडेंशियल डेटा अवेलेबल विद द ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो तो ऑब्वियसली बड़ा क्राइम है। इन्वाइटिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर चैप्टर्स रीजनल काउंसिल प्रोग्राम बाय स्पेंडिंग हेविली ऑन देयर ट्रैवल एंड स्टे अरेंजमेंट्स। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते रहते, आपने देखा होगा कितनी बार इवन
फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ICSI का प्रोग्राम अटेंड किया, जब उनकी वो एनिवर्सरी है ऐसे जो एनुअल आता है, तो भाई उन्होंने अटेंड किया, उन्होंने ICSI के बारे में दो चार बातें अच्छी बोली, CS के स्टूडेंट्स के बारे में उनको एड्रेस भी किया। वो एक ऑफिशियल फंक्शन था जहाँ पे उनको एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया, वो अलग चीज़ है। उसे इंस्टीट्यूट का भी नाम होता है पूरे कंट्री में कि फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लोग अगर हमारे इंस्टीट्यूट की बात डायरेक्टली कर रहे हैं तो दैट शोज द कॉन्फिडेंस जो उनकी तरफ से आ रहा है, और हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं ना उसकी कुछ वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, चैप्टर ऑफिस, रीजनल ऑफिस पे कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप कोई बड़े मिनिस्टर, MP, MLA इन सबको लेके आ रहे हो, बहुत हैवी खर्चा कर रहे हो, बहुत हैवी इंतजाम कर दिया आपने, उतनी नीड नहीं थी। बजट तो ICSI का यूज़ कर रहे हो आप, लेकिन पर्सनल आपकी जो ब्रांडिंग है वो बढ़ रही है कि भाई आपके इतने कॉन्टैक्ट है, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आपके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हो, उसमें लगे हो। वो एजेंडा डिफरेंट है, इंस्टीट्यूट का नाम करना नहीं, पर्सनल अपना प्रोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग करने में आप लगे हो, इसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो सोच समझ के ये सब चीज़ें करनी होती है, अगर आप ऑफिस बेरर हो ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट, टैम्परिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मिनट्स, ये तो इम्प्लाइड है, टैम्परिंग करोगे तो वो नहीं चलेगा। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं इस पॉइंट में जो आप साथ साथ में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये शेड्यूल 1 पूरा कंप्लीट है, और शेड्यूल 2 बचा है वो कल देखेंगे, कल पैकअप हो जाएगा।